रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, मेरे इमोशंस, मेरे रिलेशंस, अपने आप को सबको नेग्लेक्ट कर रही हूँ। वाओ, ताने ऐसे मार रहे हो जैसे बॉयफ्रेंड होता मैं तुम्हारा। वी आर नॉट लवर्स। सेतु, रोहित इज डेड। व्हाट? हाँ, उसने अभी फेसबुक में कुछ अपलोड किया है दैट उसे सुसाइड कमिट करना है। आई डोंट नो। अगर इन पेपर्स में ऐसा है जो मैं सोच रही हूँ, पलक को मत छोड़ो। आंटी, आज नहीं तो कल तो ये होना ही है। दो दो लोगों को, उसको भी किस, मुझे भी किस, और कौन कौन है? How many patients do you have? तू उन दोनों को मिलाएगा? आप चाहती हैं कि मैं पलक और विक्रांत को मिलाऊं? तारी दादी, सॉरी, मेरे हाथ से गिर गया। जय, छोड़ो छोड़ो, आप उसे छोड़ो छोड़ो, आप इधर से आओ। जय, साफ कर दो इसे। पता नहीं क्या हो गया, सामान गिर गया मेरे हाथ से। अरे ठहर, जब मैं जूस ले आऊं। आ माँ, वो ऑलरेडी टुगेदर है ना, विक्रांत और पलक। ये तो कह रही थी कि उनकी लव स्टोरी से बेटर कोई लव स्टोरी नहीं है। आ? उनकी क्या कर रहे हो आप, टूट डाल रहे हो सालिक में। पता नहीं आज क्या हो रहा है, सब काम उल्टा हो रहा है। आप रुक जाओ, मैं करती हूँ। हाँ, शांति से। सो अगर उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हैं तो हम लोग क्यों बीच में घुस रहे हैं? अच्छा, और तू नहीं पहुंच गया था कसौली इंटरव्यू करने? वो अलग था यार। अलग कैसे था? क्योंकि मुझे पसंद है वो, मुझे वो पसंद नहीं है दोनों। इट डजंट मेक सेंस। वो नहीं, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यू जेलस? यू गॉट बी किडिंग। रियली सिली, मैं जेलस? ओ लिसन, आपने कहा ना कि विक्रांत फैमिली है, so it's simple, she doesn't deserve him, he deserves somebody better, he definitely not her. वो चीट कर रही है उसके ऊपर। कैसे? You know how secretive she is? आपको क्या लगता है कि वो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कोई ना कुछ झूठ छुपा रही है? Anyway, सुनो, ये जो अलग है वो she's not interested because उसकी daughters हैं, right? Maybe. Okay. देख, ऐसा है कि इन दोनों की हिस्ट्री को कुरेदने की जरूरत नहीं है, दोनों के अपने बैगेज हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बहुत अच्छे हैं और दोनों को अपनी जिंदगी की शुरुआत दोबारा करनी चाहिए। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, इतना तो हम कर सकते हैं ना। वी कैन प्ले मैच मेकर्स। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम, पूरी लिमिट्स क्रॉस करके रखी है तुमने। तुम्हारी वजह से हाथ उठ गया मेरा पापा पर। क्या ये दिखा मुझे, दिस इज नॉट फनी शौर्यो। तुम्हें रियलाइजेशन भी कि तुमने क्या किया है? फेसबुक करने की उम्र है ये? हाँ, चलो रूम साफ करो, आज भी बैक इन ना हुआ। बच्चे से तुम्हारा ही सुनते हैं, चलो। सॉरी, हमें आपका ये थे, मम्मी से डांट पड़ी। सॉरी सॉरी बेटा। अच्छा तुम, हम फिर भी चुप रहे। ऑलराइट बड़ी, लिसन, पापा इज रियली सॉरी। ओके, सॉरी बोलने के और भी तरीके होते हैं। जैसे शैतानो। सर, गुड मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। सर, आप आज यहाँ कैसे? ये ऑफिस मेरा भी और मैं भी एक नून हूँ, राइट? ऑल राइट, सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। अबे गधे की औलाद, ऐसा ही होगा, ऑफिस नहीं जाएगा तो। विक्रांत के कैबिन में जा और वो लीगल पेपर्स किसी भी हाल में ढूंढ के ला। यस डैड। आर यू सीरियस? ये क्या कर रहे हो तुम और क्यों कर रहे हो? ये ना सैक्रिफाइसिंग हीरो बनने की ना कोई जरूरत नहीं है। यू लव हर। आई किस ऋत्विक। हमारे बीच में कुछ नहीं है, हम सिर्फ लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तुम्हें पता है कि मेरे दिल में सिर्फ ऋत्विक है। वो करती है। Just being practical. Practicality, my foot. Hey, Vicky. Hey, Riva. Hi. All well? हाँ, बोलना। Riva, मुझे तुझसे कुछ important बात करनी है। Excuse me. नहीं
नहीं पा नहीं मिला देख रहा हूं ना। I think I got it. हेलो वो होया की हेलो हेलो पापा। अरे ठीक से बोल सुनाई नहीं दे रहा। हेलो papers Riva, I'm telling you, Ricky still has feelings for Palak. Aur aaj jab tu Vikrant aur Palak ki love story ke bare mein baat kar rahi thi na, he was uneasy and I saw that man. Really? Riva, seriously, believe me. Banda ekdam se uneasy ho gaya tha yaar. Aur itna to main usse janti hu. Aur ye wali feeling main uski aankhon mein pehle bhi dekh chuki hu. So I know. Bol bhai Shivam. Hey yaar Aman. हेलो शिवम। अभी शिवम कभी अनन्या कभी सेतु टू मच फॉर अ डे अमन। नून फार्मा यू सी इट्स आल्सो नोन एज नून ड्रामा। आई नो राइट क्रेजी अमन भाई। एक बात बता तुम आज भी इतने हैंडसम लग रहे हो कि हमेशा दिखते हो। मैं तो अब रीवा ये विक्रांत का कैबिन है। आई नो राइट And this is the max action this office is gonna see. हम इस कमरे पे एहसान कर रहे कोई काम था लेकिन अब कोई काम नहीं कोई काम नहीं। आप लोग लगे रहो ना आप लोग जो करना है करो। व्हाट डू यू मीन बाय लगे रहो। ये ना पक्का यहाँ पे ना कुछ और ही काम से आया था मैं बता रहा हूँ तुम्हें। आई कैन नॉट बी बॉदर्ड रियली ये बंदा पागल है हम सबको पागल कर देगा। यू नो व्हाट आई एम बॉदर्ड अबाउट इज टू फिनिश व्हाट वी स्टार्टेड। दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया। ऋत्विक तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? यार क्योंकि तू बंदा सही है अच्छा है अपनी वाली फीलिंग आती है और मुझे ना तेरे पे तरस भी आता है। अगर मैंने तेरी हेल्प नहीं की ना तो तू वर्जन मर जाएगा। चेस क्या मजाक कर रहा हूँ यार। चेस पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों मैं बता अलग मैंने ना काफी टाइम स्पेंड किया और मैं तेरी सिचुएशन समझ गया। मुझे समझ आ गया कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। क्या है मेरी प्रॉब्लम? तू ना हक नहीं जताता। नहीं लिसन पलक कहाँ है अभी? पता ही नहीं तुझे कहाँ है किसके साथ है किसे किस कर रही है तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गुड विमेन लाइक ऑल ऑफ दिस नॉट दिस बट हक जताना थोड़ा स्टिक टू यार। रिवर्स साइकोलॉजी तू जैसा भी है ना स्वीट सा उसको चेंज कर हक जता। नाराज हो उससे गुस्सा हो उसके साथ आस्क हर क्वेश्चंस एंड डिमांड रिप्लाइज। मतलब क्या क्या करूं जैसे कि सो नेक्स्ट टाइम जब भी तू उसको मिलेगा ना यू हैव टू बी असर्टिव असर्टिव एज ओके पूरे हक से तू उसको पूछने वाला है कि कहां थी तुम किस तुझे क्या लगता है तेरी बीवी को इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा प्रमोशन इतनी जल्दी कैसे मिला? She's having an affair with her boss. वो इस वक्त अकेले उसके घर गई है अपनी प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए। तुम्हारा भाई है यार। भाई मत बोलना उसे। Don't call him my
अपरा था, ओके? ऋत्विक क्या हुआ? ठीक हो तुम? डेजा वो, मैं ये जो मैं अभी, ये मैं पहले कर चुका हूँ ये जो मैं अभी बोल रहा था मैं बोल चुका हूँ। बस किसके साथ? चेहरा कब? कुछ याद नहीं आ रहा यार। अबे गधे कब से फोन लगा रहा हूँ? उठा क्यों नहीं रहा है? वो साउंड बॉक्स में क्या था? कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं। वो विक्रांत के कुछ न्यूड पिक्चर्स थे और कुछ भी नहीं। क्या बकवास कर रहा है? वो पेपर्स कोर्ट से आए थे। हाँ वो किसी लड़की ने विक्रांत पे मानहानि का केस डाल दिया था और कुछ भी नहीं। पा आई डोंट बिलीव इट। वो एनवेलप घर लेकर आओ। आई वांट टू सी इट मायसेल्फ। पाप अब क्या बताऊं इनको? सुन पलकू। हम्म। मैंने ना डिसाइड कर लिया। क्या? कि ये जो है ना, दिस इज टू गुड, दिस हैज टू बी पास्ड ऑन। तुम पागल हो गए हो? अभी शादी हुई है हमारी और इंडिया में पॉपुलेशन पता है कितनी हो गई है। और फैमिली प्लानिंग नाम की भी कोई चीज होती है, ऐसे ऐसे बच्चे नहीं कर सकते। तेरी माँ ने तुझे कभी कुछ सिखाया नहीं क्या? बच्चे प्लानिंग से नहीं होते, बच्चे किसी और चीज से होते। अच्छा? नो, थैंक यू। अच्छा सुन, देख तो सकता हूँ ना? ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो? मैं सोच रहा था कि मैं जैसे लड़कियों से नफरत थी, जो शादी के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकता था, उसकी शादी हो गई है और अब मैं बेबीज के बारे में सोच रहा हूं। ऐसा क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। Marriage, it's love. Love? ये जो love है ना, तेरी family planning की माँ की आँख। I need some love. वहां खड़ी है, परफेक्ट सिचुएशन है, जैसे मैंने समझाया था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है तूने। एग्रेशन। मैं यही करूं, मैं देख रहा हूं, I'm watching you। आज ही करना है क्या? बाद में कर लेंगे कभी। कभी? एक काम कर, 70 साल का हो जा, 70 साल का हो जा, और जब जिया दिया तेरे डेंचर साफ कर रही होंगी ना, तब जाके पटाना उसको। चल शीरा दी कौम पंजाबी, चल। मुझे डरा दिया यार तुमने। पानी दूं? प्लीज पानी लेके आओ। डरोगी तो अब तुम, मेरा मतलब डरोगी तो तुम अब। सिट, बैठो। पानी पियो। खाना लगा दूं? प्लीज बैठ जाओ ना। खाना लगा देती हूँ फिर बैठ जाते हैं, ठीक है? अच्छा बताओ, हाउ वाज योर डे? अरे रुको मैं कर तो रहा। जैसे ऋतिक का फोन आया था मुझे, पूछा था तुम्हारे बारे में, बात हुई तुम्हारी? हाँ बात हुई मेरी, और उसने मुझे बताया कि तुम कितनी बड़ी गोल्ड डिगर हो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? What's wrong with you? Me? अग्नि के साथ फेरे लेते वक्त जो कसमें खाई थी भूल गए? हमारी कोर्ट मैरिज हुई थी। हमारी कोर्ट? हाँ, हमारी कोर्ट मैरिज हुई थी। तो क्या किसी को भी जाके किस कर लोगी तुम? तुम कौन सा टीवी सीरियल देख रहे हो आजकल? राइट, वो टीवी सीरियल में तुम जैसी लड़कियों को क्या कहते हैं? बहू? नहीं, वो कुलक्षणी। कुलक्षणी? यू मीन कुलदेवी? हाँ कुलदेवी, कुलदेवी बहू हो तुम। तुम्हें पता है मैं सुबह से पहली बार ऐसी हूँ। पता है मैं तुम्हें एक्टिंग में भी नहीं डांट सकता हूँ। बिल्कुल नहीं डांट सकते।
सबको जरूरत है तुम्हारी, फैमिली को, बच्चों को, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे। बनाओ मेरे लिए भी ड्रिंक बनाओ। तो आप क्या ले आए? मतलब ये दे दे। स्ट्रॉन्ग है ये, बुजुर्गों के लिए नहीं। बुढ़ा होगा तेरा बाप। बना वो कोई नहीं, नीट ही पीते। चीयर्स। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? सेम यूजुअल, कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मीनिंग पाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख बेटा, तुझे होश आ गया है, ये सबसे बड़ी बात है। और रही बाकी चीजें, वो ऐसा ऐसा याद आ ही जाएंगी बेटा। डैड, मैं किसी किसी के साथ इंटेंस रिलेशनशिप में था क्या? आई नो दैट, मुझे बार बार एक सुंदर सा चेहरा याद आता है, बट जस्ट कांट सी क्या है। एक गर्लफ्रेंड? ओ पुत्र, तेरी डजनों गर्लफ्रेंड थी? तू बिल्कुल अपने बाप पे गया है वैसे। हैंडसम हूं ना मैं? बट थैंक गॉड देन, मे बी कोई फ्लिंग होगा, कोई लंबा फ्लिंग, समथिंग दैट मस्ट हैव गॉन अ लिटिल सीरियस। मुझे लगता है शायद ऋत्विक की याददाश्त वापस आ रही है। पता नहीं आने वाले वक्त में ऋत्विक, पलक और विक्रांत की जिंदगी में क्या होने वाला है।